मैयर की एक रोड बनने जा रही है, उसको दो में से जो जो मान लो रामपथ गमन मान ली, भारत माला प्रोजेक्ट जी। अब वो रोड जो जा रही है पहले फोर लेन रोड, अब वो टू वे हो गए, मतलब इतना पिंड का विकास किया जा रहा है। केंद्र सरकार और पूरी सरकार इतना बेहतर पिंड के बारे में सोचती है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे रोड चित्रकूट से लेकर दिल्ली तक बनना चालू हो गई, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, वहाँ बुंदेल और वहाँ ग्वालियर चंबल इलाके में चालू हो गई। पर हम लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी एक्सप्रेस वे रोड किसी चित्रकूट से जोड़ दिया जाए, जो हमें भी आसानी से दिल्ली मिल जाए, और यहाँ अमरकंटक जोड़ दिया जाए, और अमरकंटक से राजधानी जोड़ दिया जाए। तो ये एक्सप्रेस वे रोड बिंद को नहीं मिल पा रही। ये बिंद के बारे में बताता जा रहा हूँ, बिंद के साथ जो जो उपेक्षाएं हैं, जब भी देखेंगे, कभी भी देखेंगे, कभी भी सुनेंगे, तो हमें दिखाया तो जाएगा। कहते गांव में कहावत, गुड़ का लड्डू दिखा के ढीला फेंकना। हमें फोर वे रोड की बात की गई पर टू वे देख रहे। उपेक्षा के कारण क्या है? राजनीतिक कमजोरी, हमारे यहाँ के नेता कमजोर है, नेतृत्व कमजोर है, नेता बिचारे हैं, नेता बोल नहीं पाते हैं, टिकट की चिंता है, टिकट लगाए हैं, टिकट कटेगी तो धंधा व्यापार खत्म हो जाएगा, धंधा व्यापार नहीं चल पाएंगे, पेट नहीं चल पाएगा। जहाँ जहाँ नेता है, ग्वालियर चंबल में नरेंद्र तोमर जी है, वहाँ का विकास हो रहा है। इंदौर तरफ कैलाश विजयवर्गीय जी है तो विकास हो रहा है, वहाँ बगल में मुख्यमंत्री जी तो हो रहा है। महाकौशल, बुंदेलखंड, बिंद क्षेत्र, तीनों में कोई नेतृत्व नहीं है जिसके तीनों का विकास नहीं हो पाया। अभी मैं जबलपुर ज्ञापन देने गया था तो मैं देखा हूँ और वहाँ बोला हूँ भी किया, जो 30 साल पहले मैं जबलपुर देखा था आज वही तस्तर हो गया। तो ये तीनों बिचारे बिंद, बुंदेलखंड, महाकौशल, नेतृत्व कमजोर नेतृत्व,